अब आपको दिखाते हैं कैसी रिपोर्ट, क्योंकि हम कहते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन ये खबर आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी, बल्कि शर्मिंदा भी कर देगी। स्विट्जरलैंड से आए एक पर्यटक जोड़े को आगरा से कुछ किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में पत्थर और डंडों से पीटा गया। दुखद यह है कि विदेशी पर्यटक सड़क पर पड़े रहे और वहां से गुजरने वाले वीडियो बनाते रहे। क्या यही है अतिथि देवो भव? क्या यही है हिंदुस्तान का स्वागत सत्कार? अतुल्य भारत को बदनाम करने वाले कौन? इन तस्वीरों को देखकर देश का कोई भी नागरिक शर्मिंदा हो जाए, किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। पिछले महीने की 30 तारीख को स्विट्जरलैंड से अपनी गर्लफ्रेंड मेरी द्रोज के साथ भारत आए क्यूनिटिन जेरेमी क्लार्क का दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। 22 अक्टूबर यानी रविवार को जब दोनों टूरिस्ट फतेहपुर सीकरी रेलवे स्टेशन के नजदीक घूम रहे थे, तभी लड़कों के गुट ने आकर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उन लड़कों ने क्लार्क की गर्लफ्रेंड के साथ सेल्फी लेने की जिद की। द्रोज के रोकने पर लड़कों ने डंडों और लात घूसों से उन्हें पीटना शुरू कर दिया। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगरा पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर से आरोपी को पकड़ लिया है। अब उससे पूछताछ की जा रही है। तो स्विट्जरलैंड के लुसेन से आए इस पर्यटक जोड़े पर हुए हमले को लेकर विदेश मंत्रालय ने यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने दिल्ली के अपोलो अस्पताल जाकर दोनों विदेशी पर्यटकों से मुलाकात की। ताजमहल, जहां दुनिया भर से लाखों पर्यटक हर साल हिंदुस्तान आते हैं, उसी ताजमहल से महज 27 किलोमीटर दूर स्विट्जरलैंड से आए इस जोड़े ने सोचा नहीं होगा कि यात्रा के दौरान उन्हें चोटों के साथ अस्पताल के भी दर्शन करने पड़ेंगे। हाथों में फूल लिए विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में जाकर क्यूनिटिन जेरेमी क्लार्क और उनकी गर्लफ्रेंड मैरी द्रोज से मुलाकात की। सुषमा स्वराज के निर्देश पर विदेश मंत्रालय के अधिकारी दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती स्विट्जरलैंड के इस जोड़े से मिलने पहुंचे थे। मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि स्विस जोड़े से मुलाकात की है, वो दोनों ठीक हैं और अस्पताल के इलाज से खुश हैं। क्लार्क को सिर और कान में गहरी चोटें आई हैं, द्रोज भी जख्मी हुई हैं। क्लार्क को अभी एक कान से कम सुनाई दे रहा है। सर क्या कुछ बताया कुछ यूपी पुलिस के मुताबिक स्विस जोड़े ने खुद FIR दर्ज नहीं कराई थी, बल्कि खुद यूपी पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। 100 नंबर पे किसी व्यक्ति ने सूचना दी थी, उसके बाद पुलिस ने जाके वहाँ पे कार्रवाई करी और उसमें जो वेचना में जो बातें आएंगी, उसमें जो दोषी होंगे, उसमें सारी चीजों को लाते हुए उनमें कार्रवाई की जाएगी। इतने बड़े देश में विदेशियों के साथ एक घटना होने से